सत्ता और भगवान की भक्ति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। 5 दिवसीय पूजन आप नित्य धनतेरस से चौकी लगाकर, लीप कर, पोंछ कर, थाली रख कर, उसमें जो चांदी का सिक्का और या अपना सिक्के का जो पूजन कर रहे हैं, वह निरंतर 5 दिवस तक अपने को करना और उसका स्मरण। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो साधन, एक सहज भाव में कहा गया, दीपावली का पर्व है। घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, भगमाता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए, और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आपके मन में यह भाव प्रबल आना चाहिए कि माँ, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हों, हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर ना कर पाए हों, पर माँ आज क्षमा मांगते हैं ऐसी कृपा। इसलिए आपको पहले भी शिवपुराण में कहा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मात्र पंचाक्षर मंत्र। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा, ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका, ये किसी दूसरे का नहीं। मां पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, मां 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, मां हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांग कर अपने घर में आप प्रवेश करिए, मां आइए हमारे घर में आप पधारिए। महाराज दीप एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगाने जाते। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी, और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गई। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे हैं, स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गई। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा, तो ये पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा, मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं, मैं भगवान शिव से कहकर
उनका कल्याण करवा दूं। देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है, आज सुख है कल दुख है फिर सुख है, ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्री, 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो, आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप चौदस पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है, उसी थाली। जैसे आपके यहां के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसी पूजन करो, और अगर ब्राह्मण आपके यहां नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं, जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी वैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए, एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को, क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारे बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है, सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी सरस्वती गणेश जी का जो चित्र हो वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें, और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान हैं, विश्वनाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से महांकाल बाबा विराजमान हैं, उनका भी स्मरण करें, उनका भी पूजन। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रख। जैसी पूजन आप पैर में पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं, घी के तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें, माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज दीपोत्सव है, अपने घर में
भाव भक्ति और आनंद के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें।